एक अनजान लड़के से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो लड़का दुबई में काम करता था। उसने बोला कि 6 महीनों तक वो दुबई से वापस आकर मुझसे शादी करेगा। वो पंजाबी था और मैं सिंधी। 6 महीने गुजर गए, फिर उसने मुझे कहा कि कोई मसला हो गया है, उस मसले की वजह से मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, ना उसके आगे कुछ बोली मैं। हम दिन रात वीडियो कॉल पर बातें करते रहते थे। फिर अचानक वो मुझसे गैर इखलाकी बातें करने लगा। मेरे मना करने पर वो मुझे डराने लगा कि वो मेरी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। कुछ वक्त तक मैं उसकी हर बात मानती रही, पर मुझे बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन मैंने तंग आकर उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं बहुत तड़पती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि मैं उस लड़के से बेपना इश्क कर बैठी थी। पर करती भी तो आखिर क्या करती, मैं मजीद उसकी बात नहीं मान सकती थी। फिर 3 महीनों बाद उसने मुझसे माफी मांगी कि वो दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। तो मैंने उसे माफ कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो लड़का वापस भी आ रहा था। मैं बहुत खुश थी और मैं अपने घर भी बता चुकी थी। जिस दिन वो वापस आया तो उसका नंबर बंद होकर दोबारा कभी ऑन ही नहीं हुआ। 5 दिन बाद मेरा उसके कजन के साथ रहता हुआ, तो उसने मुझसे बोला कि कल उसकी शादी हो गई है। उसके कजन ने मुझे उसकी शादी की तस्वीरें भी भेजी और ये भी बताया कि वो लड़कियों के साथ टाइम पास करता था। मैं ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अज़ियत में हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं जब भी ये सब सोचती हूँ तो एकदम पागल सी हो जाती हूँ। वो लड़का मेरी दुनिया तबाह कर गया है। अब तो मेरी हालत पर मेरी अम्मी भी रो पड़ती हैं। मेरी अम्मी अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि मेरी बेटी को सब्र आ जाए। किसी की ज़िंदगी से खेल जाना, किसी को इतना रुलाना, किसी को इतना तड़पाना। इंसान सोचता है कि मैं खुश होऊंगा, कभी भी नहीं। अगर तो आज आप किसी के साथ भी बुरा करेंगे तो ये कर्ज की शक्ल में आपकी आंखों के सामने या तो आपकी बीवी वो अदा करेगी या तो आपकी बहन। और मर्द हजरात, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी के जज्बात के साथ मत खेलिएगा, क्योंकि जब किसी की दिल से आ निकलती है ना, तो आप अगर आसमान की बुलंदियों पर भी हों तो अल्लाह ताला आपको ज़मीन पर ले आता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हर बेटी की नसीब अच्छे करे। आमीन।